Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो हम सभी जानते हैं कि श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो में श्रमिकों और कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा की के उपबंध की चर्चा की जाती है तो इस संदर्भ में इस व्याख्यान में हम जो प्रस्तुत हुए हैं इस व्याख्यान का शीर्षक है कारखानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हम सभी जानते हैं कि जब कारखानों की स्थापना की जाती है जैसा कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत तेज़ी से हुआ कारखानों की स्थापना की गई तो ऐसी स्थिति में कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाना या वहाँ पर कार्य की दशाएँ ऐसा होना कि वह श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा उपलब्ध न करा पाए या फिर उनके स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती पैदा करती है तो ऐसी स्थिति में इस व्याख्यान में हम कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपबंध किए हैं उस उपबंधों की हम चर्चा करेंगे इस व्याख्यान का उद्देश्य कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य हेतु विशेष आवश्यकताओं को को जानना है व कौन सी आवश्यकताएं हैं जिसे पूरा किया जाना आवश्यक है जिसके फलस्वरूप कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके ऐसी स्थिति में कारखानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपबंध को को जानना इस व्याख्यान का उद्देश्य है इस व्याख्यान में हम स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु जो स्वच्छता की आवश्यकता है और किसी कारखाने में स्वच्छता के आ, को सुनिश्चित करने हेतु जो उपबंध इस कारखाना अधिनियम में बनाए गए हैं उन उपबंधों की हम विस्तृत चर्चा करेंगे यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी कारखाने में जो कर्मचारी के स्वास्थ्य की बात है उसको वहाँ पर उस कारखाने में कार्य की दशाओं या फिर वहाँ पर स्वच्छता से जोड़ करके देखा जाता है ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अगर किसी कारखाने में कचरे का श्राव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कचड़ों का व्ययन कैसे किया जाएगा और और उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा जिससे कि उसके माध्यम से कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा उत्पन्न ना हो इस व्याख्यान में हम किसी कार्य कक्ष जहाँ पर कारखानों में कार्य का निष्पादन किया जा रहा है उस कार्य कक्ष में वेंटिलेशन और तापमान के क्या मानक हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे और उसके आधार पर हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कारखाना अधिनियम में का वेंटिलेशन और तापमान की व्यवस्था बना करके वहाँ के वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाता है जिसका जिस जिसके कारण कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित किया जा सके इसके पश्चात इस व्याख्यान में हम धूल और धुओं से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य की समस्याओं से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे और और इसके पश्चात हम किसी कार्यकक्ष में जो कृत्रिम नमी के रख रखाव की बात की जाती है कि किसी कारखाने में जहाँ पर आ, आ, जो जो नमी है जो टेम्परेचर है वह बहुत कम है बहुत ज़्यादा है कैसे उसको आ, मेंटेन किया जाएगा उसकी हम चर्चा करेंगे तत्पश्चात हम किसी कारखाने में भीड़ भाव से बचाव के हेतु क्या उपबंध किए जा रहे हैं उन उपायों की हम चर्चा करेंगे अंत में हम प्रकाश की उचित व्यवस्था के साथ ही साथ किसी कार्यकक्ष में प्रकाश के उचित व्यवस्था के साथ ही साथ वहाँ पर कर्मचारियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था उनके लिए शौचालय की व्यवस्था और थूकदान की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख के चर्चा करेंगे ये सारे उपबंध इसलिए किए गए हैं कि किसी कारखाना में जो कार्य करने का स्थान है जो कार्यस्थल है या जो कार्यकक्ष है वहाँ का जो वातावरण हो वो स्वच्छ रहे और ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित कर पाए और उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न न हो हम सभी जानते हैं जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में भी देखा है कि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में बड़े पैमानों पर कारखानों की स्थापना का प्रारंभ हुआ उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जब भारत में अनेकानेक कारखाने स्थापित की जा रही थी तो उस समय भारत के पास कोई ऐसा मानक नहीं था ऐसी कोई विधि नहीं थी जिसमें यह व्यवस्था बनाई गई हो कि कारखाना स्थापित करते समय कौन कौन से मानकों का पालन किया जाना आवश्यक है ऐसे में कारखाना में श्रमिकों की सुरक्षा उनके स्वास्थ्य या फिर उनके कल्याण के संबंध में अपर्याप्त प्रावधान हुआ करते थे और अगर किसी कारखाने में कर्मचारियों की सुरक्षा उनके स्वास्थ्य और उनके कल्याण के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए जाते हैं तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव कर्मचारी के स्वास्थ्य और उसके जीवन पर पड़ता है तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता यह हो जाती है कि क्या कारखाना अधिनियम के माध्यम से जो संचालित कारखाने हैं उसको विनिमित किया जाए और जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों के आधार पर कारखानों में स्वास्थ्य की सुरक्षा की और कल्याण की सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना चाहिए हम सभी जानते हैं कि जो कारखाना अधिनियम उन्नीस में बनाया गया तो इस अधिनियम का उद्देश्य था कारखानों का उचित प्रशासन अगर किसी कारखाने का उचित प्रशासन होगा तभी उस कारखाने में स्वच्छता सुरक्षा और कल्याण का मानक फॉलो किया जाएगा उसे माना जाएगा ऐसी स्थिति में कारखाना अधिनियम 1948 के आने के पश्चात कारखाना प्रशासन में भारत में एक एक, एक नया विकास होता है और सभी कारखानों को उसके मानक के हिसाब से कारखाना को संचालित करना आवश्यक हो जाता है हम सभी जानते हैं कि यह अधिनियम प्रमुख रूप से कारखानों में श्रम के विनियमन वी, के लिए अग्रसर है इसका प्रमुख उद्देश्य कारखाना में नियोजित होने वाले श्रम के विनियमन का है हमें यह भी पता है कि कारखाना एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर अत्यंत खतरे होते हैं और एक कर्मचारी उन खतरों के अधीन रह करके कार्य करता है तो ऐसे स्थिति में ढेर सारे मानकों का निर्धारण किया जाना जो सुरक्षा से संबंधित हो सकते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित हो सकते हैं जो किसी कर्मचारी के कल्याण से संबंधित हो सकते हैं इन मानकों के निर्धारण के फलस्वरूप अगर इन मानकों का प्रशासन किया जाता है किसी कारखाना में तो उसके माध्यम से उत्पन्न होने वाले खतरों को कम किया जा सकता है उसे रोका जा सकता है इस संदर्भ में कारखाना अधिनियम 1948 एक 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 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है हम सभी जानते हैं कि जब कारखानों का विकास हो रहा था भारत में तो ऐसे में भारत के समक्ष ये चुनौती थी कि कैसे भारतीय कारखानों को वैश्विक कारखानों के के जो मानक हैं उसके समक्ष लाया जाए और उन मानकों के अनुरूप यहाँ पर श्रम को विनियमित किया जाए इस संदर्भ में भी भारत में कारखाना अधिनियम 1948 एक महत्वपूर्ण अधिनियम बनता है और वैश्विक स्तर के मानकों को भारत में प्रवर्तन करने हेतु तो, उन मानकों को यहाँ पर लागू करने हेतु तो, यह अधिनियम बनाया जाता है इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए कर्मचारियों के लिए एक उचित और सभ्य आजीविका की जो आवश्यकता है उस सभ्य और और उचित आजीविका की उपलब्धता हेतु तो, हमें सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण के उपबंधों का आ, प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कारखाना अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम बन जाता है और कारखाना में श्रम के विनिमय हेतु बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है किसी भी सामाजिक या औद्योगिक तनाव को कम करने के लिए भी कारखाना अधिनियम का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है एक तरफ तो कारखाना अधिनियम के तहत स्थापित जो कारखाने हैं वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध अत्यंत खतरे पैदा हो सकते हैं और साथ ही साथ वो समाज में अन्य वर्गों के साथ अपना समायोजन करना चाहते हैं तो ऐसे में इन इन दोनों परिस्थितियों के बीच में जो तनाव उत्पन्न होगा उस तनाव को कम करने के लिए कारखाना में स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण के मानकों का पालन किया जाना बहुत आवश्यक हो जाता है हम सभी जानते हैं कि कारखाना अधिनियम के माध्यम से कारखाना में काम करने वाले कर्मचारियों युवाओं और महिलाओं के, के साथ ही साथ बच्चों के संदर्भ में कारखाना अधिनियम 1948 में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं इन प्रावधानों के तहत कारखाना अधिनियम कारखाना में काम करने वाले श्रमिकों को एक व्यावसायिक सुरक्षा भी प्रदान करने का प्रयास करता है क्योंकि वहाँ पर जो खतरा उत्पन्न होता है वह खतरा केवल और केवल उस व्यवसाय के कारण उस कारखाने में होने वाली गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है तो ऐसे में कारखाना अधिनियम व्यावसायिक सुरक्षा भी प्रदान करता है यह अधिनियम हम सभी जानते हैं कि यह अधिनियम एक बहुत ही आदर्श अधिनियम है और इस अधिनियम के माध्यम से जो मानक स्थापित किए गए हैं उन मानकों का पालन किया जाना किसी कारखाने के लिए एक 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 कठिन आ, बात हो सकती है ऐसी स्थिति में यह जो अधिनियम है इस इन मानकों के आ, पालन को सुनिश्चित करने हेतु कारखाना अधिनियम यह प्रावधान करता है कि अगर कोई कारखाना कारखाना अधिनियम 1948 के बनने के पश्चात इसके मानकों को लागू करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में उस कारखाना के संचालक को दंडित किया जाएगा और ऐसा असफल होना एक अपराध माना जाएगा यदि हम देखें तो यहाँ पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा और ऐसी अवस्था में इस अपराध की स्थिति में जो अपराधी घोषित किया जाएगा उसे एक वर्ष तक की कारावास या फिर एक लाख रुपए तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है यहाँ यह भी उपबंध किया गया है कि किसी कारखाना के संचालक को आ, कारावास या अर्थदंड दोनों दंडों से भी दंडित किया जा सकता है इस तरह हम देखते हैं कि कारखाना में किस तरह से स्वास्थ्य के मानक किस तरह से सुरक्षा के मानक किस तरह से कल्याण के मानक को सुनिश्चित किया गया है और उन मानकों को लागू कराने हेतु तो किस तरह से यहाँ पर दंड की व्यवस्था की गई है कारखाना में श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा अगर कोई कारखाना स्थापित किया जाता है और उस कारखाना में ढेर सारे श्रमिक ढेर सारे कर्मचारी काम करते हैं तो कारखाना में वो कौन कौन से उपबंध किए जाने चाहिए जिससे कि कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके हम सभी जानते हैं कि जब कारखानों में आ, आ, कर्मचारी काम करने के लिए जाते हैं तो कारखानों में या तो बहुत शोर होगा या मशीनों के चलने की बहुत आवाज़ आती है वहाँ पर बिजली का सप्लाई होता है वहाँ पर ढेर सारे अपव्यय भी प्रस्तावित होते हैं तो ऐसी स्थिति में आवश्यक यह हो जाता है कि हम ये जाने कि कारखाना अधिनियम में कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु क्या क्या मानक निर्धारित किए गए हैं और क्या वास्तव में इन मानकों के लागू किए जाने के पश्चात जो कारखाने का जो 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 वातावरण है वह वा एक ऐसा वातावरण होगा जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर पाएगा इस संदर्भ में हम यहाँ पर जो श्रमिकों के स्वास्थ्य की बात है उसको हम स्वच्छता से जोड़ करके के देखते हैं हम सभी जानते हैं कि अगर कार्य करने का जो स्थान है वह बहुत स्वच्छ नहीं होगा तो अस्वच्छता के कारण वहाँ ढेर सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं या फिर अस्वच्छता के कारण कर्मचारी के स्वास्थ्य पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो ऐसी स्थिति में जो स्वच्छता के उपबंध हैं उसके माध्यम से हम कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसको जानने का हम प्रयास कर सकते हैं अगर हम कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखानों में आ, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु जो स्वच्छता के उपबंध किए गए हैं उस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अधिनियम की धारा ग्यारह में कारखानों में स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु स्वच्छता का ध्यान रखने का प्रावधान किया गया है अर्थात प्रत्येक कारखाने को किसी भी ऐसे नाले ऐसे प्रीवी या अन्य उपद्रव से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट से खुद को साफ और मुक्त रखने की आवश्यकता है अर्थात वहाँ का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए आवश्यकता यह है कि कोई भी अपशिष्ट जो कारखाने में पैदा हो रहा है उसको इस तरह से आ, विनियमित किया जाए उसका इस तरह से निष्पादन किया जाए कि उसके द्वारा कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपशिष्ट का कार्यस्थल के पास मौजूद होना कहीं न कहीं अस्वच्छता का एक प्रतीक है तो ऐसे में अगर वह कार्य करने का स्थान एक स्वच्छ स्थान होगा वहाँ पर ऐसा कोई अपशिष्ट नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में कारखानों में कर्मचारी के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सकता है इसके साथ ही साथ जो इस अधिनियम की धारा ग्यारह में जो प्रावधान किए गए हैं अगर हम देखें तो यह प्रावधान बहुत ही आदर्श रूप के प्रावधान हैं जहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि कमरों के फर्ज से सीढ़ियों और मार्गों से किसी भी प्रभावी तरीके से प्रतिदिन गंदगी और कचरे को संचय करके हटाया जाना चाहिए और एक उपयुक्त और कुशल तरीके से इसका निपटान किया जाना चाहिए अर्थात जो वह कार्य कक्ष है जहाँ पर कार्य किया जा रहा है किसी फैक्ट्री में किसी कारखाने में कार्य किया जा रहा है वहाँ पर प्रत्येक दिन प्रभावी तरीके से गंदगी को हटाने कचरे को हटाने के लिए साफ़ सफाई का, का काम किया जाना चाहिए आवश्यकता इस अधिनियम के तहत यह है कि ऐसी सफाई कचरे का ऐसा निष्पादन या फिर गंदगी का ऐसा हटाना हटाया जाना प्रतिदिन होना चाहिए इसके साथ ही साथ यह धारा यह भी प्रावधान करता है कि कमरों के फर्श से और सीढ़ियों और मार्गों से किसी भी प्रभावी तरीके से प्रतिदिन गंदगी और कचरे के संचय को हटाया जाना चाहिए और एक उपयुक्त और कुशल प्रावधान इसके लिए निपटाने के लिए किया जाना चाहिए अर्थात यहाँ पर आवश्यकता यह है यहाँ पर जो मानक निर्धारित किए गए हैं उस मानक का सामान्य सा अर्थ यह है कि किसी कारखाना में जो कार्यस्थल है जो कार्यकक्ष है जहाँ पर कर्मचारी अपने कार्य का निष्पादन कर रहा है वह एक स्वस्थ स्थान होना चाहिए अगर वह एक स्वस्थ स्थान होगा वह एक अगर स्वच्छ स्थान होगा तो तो स्वतः ही उस कर्मचारी की स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सकेगा तो किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए कार्यकक्ष का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है अगर वह कार्यकक्ष का स्वच्छ नहीं होगा तो ऐसे में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती हैं या फिर अन्य परिणाम आ सकते हैं जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो तो शुरुआत में ही हम देखते हैं कि किस तरह से एक आदर्श स्थिति बनाई जा रही है कि कैसे कारखाने में जो कार्य करने का स्थान होगा वह एक स्वस्थ स्थान होना चाहिए इसके पश्चात इस धारा इस में यह भी उपबंध किया गया है कि कारखानों में स्वच्छता हेतु यदि कार्य समय के दौरान फर्श गीला हो जाता है तो उसे उचित जल निकासी की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाना चाहिए अर्थात कार्य के स्थान पर जल का एकत्रित होना रोका जाना चाहिए क्योंकि उस जल के एकत्रित होने से वहाँ पर गंदगी पैदा होगी और गंदगी के पैदा होने से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो हर कारखाने में जो कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन संचालित हो रहे हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि कार्य कार्यस्थल पर व कार्य कक्ष में जो फर्श है अगर वह गीला हो जाता है तो उसके साफ करने के लिए उसे सुखाने के लिए एक उचित प्रावधान करेंगे ऐसे में यह भी देखा जाता है कि अगर कार्य क्षेत्र में या फिर कार्यकक्ष में फर्श गीला है तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के लिए दुर्घटना होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कोई भी कर्मचारी या कोई भी मशीन वहाँ गिर सकता है और उसके माध्यम से खतरा उत्पन्न हो सकता है तो उस खतरे से बचने के लिए भी किसी कार्यकक्ष में ऐसे गीले फ़र्श को आ, साफ किया जाना चाहिए उसे सुखाया जाना चाहिए और उसके लिए कारखाने में प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए इसके पश्चात यहाँ पर यह उपबंध किया गया है कि कमरों के फ़र्श को हर हफ्ते उचित कीटाणुनाशक या सफाई के किसी अन्य प्रभावी तरीक़ों से साफ किया जाएगा कारखाना में जो कार्य क्षेत्र है जो कार्यस्थल है उस कार्यस्थल का जो फर्श है उस फर्श को प्रतिदिन जो जो आवश्यकता है हफ्ते में एक दिन है हफ्ते में उचित रूप सेट कीटनाशक के द्वारा कीटाणुनाशक के द्वारा उसे साफ़ किया जाएगा या फिर किसी और सफाई के माध्यम से उसे साफ़ किया जाएगा अब आप समझ सकते हैं कि, कि कितने आदर्श स्थिति को यहाँ पर समृत किया गया है और और कैसे एक अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुकूल कारखानों में एक 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 जो जो वहाँ का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए या फिर बनाए जाने के लिए भारत में कारखाना अधिनियम 1948 के द्वारा प्रावधान किया गया है इसके पश्चात यहाँ पर भी यह आवश्यकता है कि कारखानों की दीवारों छत और सीढ़ियों को हर पाँच साल में एक बार पेंट किया जाना चाहिए यह एक विधिक आवश्यकता है कि कारखानों में जो कार्यकक्ष हैं जो कार्यस्थल है वहाँ पर जो दीवारें हैं वहाँ पर जो छत है वहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं उसका हर पाँच साल में एक बार उसका पेंट किया जाना बहुत आवश्यक है अब अब यहाँ पर एक नियोक्ता का ये तर्क हो सकता है कि अगर हम पाँच साल में ऐसे स्थानों पर पेंट कराएंगे, ऐसे स्थानों की सफाई करवाएंगे, तो हमारे ऊपर अननेसेसरी बहुत अनुचित खर्चे बढ़ जाएंगे और हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तो ऐसा कोई भी तर्क नियोक्ता के द्वारा अगर प्रस्तुत किया जाता है तो इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह विधिक आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं को कर कारखाना संचालित करने वाले नियोक्ताओं को मानना आवश्यक है बाध्यकारी है तो अब अब इसके बाद यह भी कहता है कि हर तीन साल में एक बार कमरे की दीवारों को फिर से पेंट किया जाएगा कार्यकश के जो अंदर की दीवारें हैं वह हर तीन साल में एक बार और साथ ही साथ जो और दीवारें छतें सीढ़ियाँ हैं उन्हें पाँच साल में एक बार आ, वहाँ पर आ, पेंट किया जाएगा तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि अगर किसी कार्यकक्ष को जहाँ पर कर्मचारी किसी कारखाने में कार्य कर रहे हैं वहाँ एक आवश्यकता यह है कि वह कार्यकक्ष हर तीन साल में एक बार उसका पेंट किया जाना चाहिए आप आप अनुभव कर सकते हैं कि कैसी एक आदर्श वातावरण को बनाने का प्रयास किया गया है इस अध्ययन में दूसरी तरफ वास्तविकता अलग है कारखानों में कितनी सफाई होती है कैसे इन इन आ, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू किया जाता है उसका पालन किया जाता है यह एक आ, अलग प्रश्न है लेकिन यहाँ पर कारखाना अधिनियम के तहत यह जो मानक निर्धारित किए गए हैं ये मानक बहुत ही उच्च मानक हैं इसके साथ ही साथ इस इस धारा में यह भी उपबंध किया गया है कि सभी दीवारों खिड़कियों के जो फ्रेम हैं और अन्य लकड़ी या धातु के जो फ्रेमवर्क हैं शटर वगैरह उनको पाँच साल की अवधि में कम से कम एक बार पेंट और वार्निस किया जाना चाहिए कारखाने में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए किस तरह से कारखाने में जो कार्यकक्ष हैं उस कार्यकक्ष में जो खिड़कियां हैं जो दरवाजे हैं और यहाँ उस खिड़की और दरवाजे में जो फ्रेम लगे हुए हैं वो लकड़ी के हों या किसी धातु के फ्रेम हों कैसे उसे पेंट करने या फिर उसके वार्निस करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और और यह आवश्यकता पाँच साल में एक बार के लिए आवश्यकता है यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से स्वच्छता के आ, को सुनिश्चित करने है। तो क्योंकि स्वच्छता का कर्मचारियों के स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है अगर काम करने का जो स्थान है कार्य करने का जो वातावरण है अगर वह अस्वच्छ होता है स्वच्छ नहीं होता है तो ऐसे में इसका प्रतिकूल प्रभाव कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है तो उस प्रभाव से बचने के लिए प्रारंभ में ही यह मानक अधिरोपित कर दिया गया है कि कारखाना वहाँ पर सफाई सुनिश्चित करने होती उपयुक्त मानकों को वहाँ पर पूरा करेगा अर्थात यहाँ पर जो जो सुरक्षा की जो स्वास्थ्य की, की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उस स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी को निर्वहित करने के लिए कर्मचारियों को स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है इसके साथ ही साथ जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो विस्तृत अर्थों में जब किसी कारखाने में जैसा कि सामान्यतः हर कारखाने में किसी न किसी कचरे का बहिश्राव होता है उसका वहाँ पर व्ययन होता है और ऐसी स्थिति में अगर कारखाने का वातावरण स्वच्छ रखना है तो ऐसी स्थिति में उस कारखाने में जो कचरों का बहिष्राव हो रहा है उसको बहुत ही उचित तरीके से विनियमित करने की आवश्यकता है इस अधिनियम की धारा बारह में कचरे के बहिष्राव और व्ययन के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है अगर इस प्रावधान को हम देखें तो यह कहता है कारखाना में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए ये बिंदुएँ हैं कारखाना के लिए उचित और प्रभावी अपशिष्ट उपचार और इसके निपटान की व्यवस्था करना अर्थात कोई ऐसा कारखाना जहाँ पर कोई खतरनाक पदार्थ अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न हो रहा है और अगर वह खतरनाक पदार्थ अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है और वहाँ पर वह वह अपशिष्ट कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती पैदा करता है तो ऐसी स्थिति में उस अपशिष्ट का एक उचित तरीके से निपटारा किया जाना आवश्यक है और और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि तकनीक के विकास के साथ साथ ऐसी ढेर सारी तकनीकें आ गई हैं जिसके उपयोग के माध्यम से नियोक्ता ऐसे अपशिष्ट का संशोधन कर सकता है उसका निपटारा कर सकता है और उससे न केवल उस कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों बल्कि आसपास की जनता या फिर जो वहाँ के, के, के लोकल स्थानीय लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया जा सकता हम सभी ये भी जानते हैं कि कारखाना स्थापित करते समय कारखाना स्थापित करने से के पूर्व जो अनुमति लेनी पड़ती है उस अनुमति में एक आवश्यकता यह भी है कि पर्यावरण को होने वाली क्षति का भी वहाँ पर मानक है उसके अनुरूप वहाँ पर उपाय किए जाने चाहिए किसी कारखाने में अगर ऐसे किसी पदार्थ को अपशिष्ट के रूप में निकाला जा रहा है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो ऐसे पर्यावरण के खतरे से अंततः व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर एक खतरा ख, खतरनाक प्रभाव पड़ेगा तो उसके लिए अनुमति देने से पूर्व उन आवश्यकताओं को जांच किया जाएगा तत्पश्चात कारखाना को चालू करने के लिए अनुमति दी जाएगी और, और अगर हम देखें तो इसके लिए प्रावधान हमको आ, जो पर्यावरणीय विधि है उस पर्यावरणीय विधि में भी मिलता है इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार कारखानों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों के निपटान हेतु नियम बना सकती है यहाँ अपशिष्टों के निपटान हेतु नियम का तात्पर्य यह हुआ कि अगर किसी विशिष्ट प्रकार के कारखानों में किसी विशिष्ट प्रकार के अपशिष्ट उत्पन्न हो रहे हैं तो उन विशिष्ट प्रकार के अपशिष्टों को कैसे विनियमित किया जाएगा कैसे उसका निपटान किया जाएगा इसके लिए अगर राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाया जाता है राज्य सरकार को यहाँ पर इसके लिए नियम बनाने का प्राधिकार दिया गया है अगर राज्य सरकार ऐसा कोई नियम बनाता है तो राज्य सरकार के क्षेत्र में आने वाले सभी कारखानों के लिए आवश्यक हो जाएगा कि वह अपने कारखानों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों के निपटान हेतु जो राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अधीन रहते हुए उन अपशिष्टों का वो निपटान करें इसके पश्चात जब हम बात करते हैं स्वच्छता की जिसका एक सीधा सा संबंध स्वास्थ्य हो जाता है तो किसी भी कारखाने में स्वच्छता को सुनिश्चित करने हेतु कारखाना अधिनियम 1948 में बहुत ही उच्च मानक निर्धारित किया गया है और इस मानक के अधीन कार्यकक्ष में वेंटिलेशन और तापमान की भी व्यवस्था की गई है हम सभी जानते हैं कि अगर कार्यस्थल जो कि किसी कारखाने की प्रकृति के कारण ऐसा हो सकता है कि कार्यस्थल बहुत गर्म होना चाहिए या फिर वहाँ पर उत्पादित होने वाले उत्पादकों की प्रकृति के आधार पर यह आवश्यक हो सकता है कि कार्यस्थल बहुत उच्च ताप का होना चाहिए तो किसी उत्पाद के लिए निम्न ताप का होना उच्च ताप का होना तो समझ में आता है लेकिन ऐसा निम्न ताप या फिर उच्च ताप किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य के अनुकूल हो यह आवश्यक नहीं है तो ऐसे में कार्यस्थल में जो तापमान है वह तापमान जो 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 मानवीय मानक हैं जो जो मानव के स्वास्थ्य के लिए मानक हैं उसके अनुकूल होने चाहिए और उसी संदर्भ में इस अधिनियम की धारा तेरह में ताज़ी हवा के संचलन द्वारा प्रत्येक कार्यकक्ष में उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था और रखरखाव के लिए प्रभावी और उपयुक्त प्रावधान किए जाने चाहिए अब यहाँ पर मानक तो यह है कि कार्य कक्ष में ताज़ी हवा के आने का और, और उसके वेंटिलेशन का प्रावधान होना चाहिए लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो कारखाना होता है कारखाना के आसपास जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है जो वहाँ का पर्यावरण होता है वो इतना स्वच्छ नहीं होता है कि कार्यकक्ष में कर्मचारियों को ताज़ी हवा मिले ताज़ी हवा के अतिरिक्त जो यहाँ पर विधिक प्रावधान है कारखाना अधिनियम उन्नीस के तहत वह विधिक प्रावधान यह कहता है कि किसी भी कार्यकक्ष में जो वेंटिलेशन की आवश्यकता है उस वेंटिलेशन को वहाँ पर उपयुक्त कराया जाएगा उसको वहाँ पर मेंटेन किया जाएगा उसका रखरखाव किया जाएगा और साथ ही साथ जब हम वेंटिलेशन की बात करते हैं तो उस वेंटिलेशन के माध्यम से उस कार्य कक्ष का तापमान कितना होगा उस तापमान को भी नियंत्रित किया जाता है हम सभी जानते हैं ऐसा ऐसा ढेर सारे आ, मामले आए हैं जब एक कर्मचारी को आ, अगर अगर उसे किसी हॉट रूम में या फिर कोल्ड रूम में नियोजित किया जाता है और वह कर्मचारी एक लंबे समय तक उस हॉट रूम में या फिर कोल्ड रूम में रहता है और बाहर निकलने पर उसे स्वास्थ्य का कोई कोई आ, समस्या उठानी पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को बचाने के लिए उचित उपाय उपाय किए जाने चाहिए उसके स्वास्थ्य के प्रति उचित उपाय किए जाने चाहिए और ऐसे उपायों के लिए कार्यकक्ष में वेंटिलेशन और तापमान का नियंत्रित किया जाना आवश्यक है अगर कार्यकक्ष की प्रकृति ऐसी है कि वहाँ का ता, का तापमान बहुत कम होगा या फिर वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होगा और उस तापमान के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी को अपने कार्य का निष्पादन करना है तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को क्या क्या पूर्व सावधानियाँ बरतनी हैं कैसे वह वहाँ पर प्रवेश करे कि किन पूर्व सावधानियों के साथ प्रवेश करे कि उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े उसके लिए कारखानों में उचित व्यवस्था की जानी चाहिए सामान्यतः यह जाता है कि तापमान के आधार पर या फिर वेंटिलेशन न होने की स्थिति में भी कभी कभी आ, सांस से संबंधित श्वसन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं और कर्मचारी को उस उस समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य से जुड़ा होता है वेंटिलेशन और तापमान के लिए धारा तेरह के अधीन कार्यस्थल पर पर्याप्त तापमान प्रदान करने का करने की आवश्यकता शामिल है तापमान कितना होना चाहिए जो विज्ञान के तहत मानक तापमान है कि किसी कर्मचारी के कार्य करने की परिस्थिति में वह तापमान क्या होगा उस तापमान को के रखरखाव की जिम्मेदारी कारखाना संचालकों पर अधिरोपित की गई है इस तरह से हम देखते हैं कि तापमान और वेंटिलेशन के माध्यम से भी एक स्वच्छ वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि तापमान के अनुचित होने पर कम या ज़्यादा होने पर या फिर वेंटिलेशन ना होने पर कर्मचारी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में कर्मचारी के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु वहाँ पर कर्मचारी को को, को जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है उससे बचने हेतु तो, वेंटिलेशन और तापमान को नियत मानक के अनुसार रखने की आवश्यकता है इसी के अनुसार यहाँ पर यह भी उपबंध किया गया है कि अगर किसी कार्यकक्ष में तापमान को नियंत्रित किया जाना है तो तापमान को नियंत्रित करने के उद्देश्य हेतु जो वहाँ पर दीवारें बनाई जाएंगी उस दीवारों की सामग्री का चयन किया जाना चाहिए अर्थात अगर अगर कोई ऐसी सामग्री की, निर्माण की ऐसी कोई सामग्री निर्माण में उपयुक्त की जाती है जिससे तापमान स्वतः बढ़ जाता है तो इस सामग्री के उपयोग करने पर एक तरह का प्रतिबंध होगा कारखाना में कारखाना संचालकों को नियोक्ताओं को ऐसी सामग्रियों का निर्माण किया जाना चाहिए दीवार बनाने में या फिर अन्य निर्माण कार्यों में कि जो तापमान के अनुकूल हों अगर उन्हें तापमान कम रखना है तो उसके अनुकूल हों अगर तापमान उनको बढ़ा के रखना है तो उसके अनुकूल हों और अंततः इसके माध्यम से तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है तापमान को नियंत्रित करना भी आसान नहीं है अगर किसी कार्यकक्ष में कोई बहुत आ, आ, बड़ा मशीन स्वचालित रूप से काम कर रहा है तो उस मशीन के काम करने के माध्यम से उसके काम करने के दौरान वहाँ का तापमान बहुत उच्च तापमान हो सकता है या फिर कारखाने में जो कार्य की प्रकृति है जिसमें बिजली की सप्लाई की आवश्यकता है बिजली के माध्यम से उत्पादन को सुनिश्चित किया जा रहा है तो ऐसे में भी या फिर कोयले का उपयोग किया जा रहा है तो ऐसे में भी तापमान बढ़ना बहुत लाजमी है तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता यह है कि पूर्व में ही उस कर्कज को बनाए जाते समय ऐसी सामग्रियों का निर्माण किया जाना चाहिए कि वह तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम हो यहाँ पर तापमान को नियंत्रित किया जाना आ, आ, नियंत्रित किए जाने का जो जो यहाँ पर दायित्व अधिरोपित किया गया है इसका जो मानक बनाया गया है यह कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके बनाया गया है इसके साथ ही साथ राज्य सरकार पर्याप्त वेंटिलेशन और उचित तापमान का एक मानक निर्धारित कर सकता है और राज्य सरकार जब भी ऐसा मानक निर्धारित करेगा यह मानक हमेशा और हमेशा विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होगा विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित तापमान का जो मानक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा उस राज्य सरकार के क्षेत्राधीन आने वाले सभी कारखानों के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वह उस तापमान को अपने कारखाने के कार्यकक्ष में या फिर अन्य स्थानों पर जहां पर कर्मचारियों द्वारा कार्य का निष्पादन किया जा रहा है उसे वो सुनिश्चित करें कारखाना अधिनियम उन्नीस के तहत जो मानक निर्धारित किए गए हैं इन मानकों की कहाँ तक आ, 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 पालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है इसके देखभाल के लिए कारखाना अधिनियम में इंस्पेक्टर के नियुक्ति करने का प्रावधान है इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा और वह इंस्पेक्टर कारखाने में जाकर के वहाँ के मानकों का निरीक्षण करता है तापमान और वेंटिलेशन की स्थिति में यदि मुख्य मुख्य निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि किसी भी कारखाने में अत्यधिक उच्च तापमान को उपयुक्त उपायों को अपनाने से कम किया जा सकता है तो वह उन्हें ऐसी विधि का उपयोग करने का आदेश दे सकता है तो अब यहाँ पर जो मुख्य निरीक्षक है इंस्पेक्टर है वह अगर किसी कारखाने के संबंध में किसी उद्योग के संबंध में उसे यह पता चलता है कि वहाँ तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक उचित साधन का एक उचित विधि का उपयोग किया जा सकता है तो वह एक आदेश दे सकता है कि ऐसी विधि का उस कारखाना के संचालक द्वारा उपयोग किया जाए जा और तापमान को नियंत्रित किया जाए तो तापमान और वेंटिलेशन को नियंत्रित करके उस कार्यकश की जो जो वातावरण है उसको स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है अगर वह वहाँ का वातावरण स्वच्छ होगा तो वहाँ पर कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि आ, कारखानों में धूल और और धुआ भी पैदा होती हैं कारखानों में जब मशीनें चलती हैं या फिर कार्य का निष्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया में धूल का पैदा होना या फिर धुआं का पैदा होना बहुत सही साधारण सी बात है यह धूल बहुत ही जहरीली धूल हो सकती है यह धुआं बहुत ही खतरनाक धुआं हो सकता है और उसके माध्यम से वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य के, के एक समस्या उत्पन्न हो सकती है तो क्या ऐसी स्थिति में कारखाना में काम करने वाले व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए कि वह उसी स्थिति में काम करने के लिए बाध्य हैं या फिर मानक के अधीन रहते हुए कारखाना कारखाना संचालक के लिए यह आवश्यक है कि वह धूल और धुआं को नियंत्रित करे और कैसे उसको बाहर निकालना है कार्यकक्ष उसके लिए उपबंध करे इस संदर्भ में इस अधिनियम की धारा चौदह में उपबंध किया गया है इस अधिनियम की धारा चौदह कहता है कि यदि किसी कारखाने की निर्माण प्रक्रिया में धूल और धुआँ निकलता है तो कार्यस्थल में इसकी संचय को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे यहाँ अगर कार्यस्थल पर कार्यकक्ष में धूल का संचय होता है धुआँ का संचय होता है तो इस धूल और धुआँ के संचय के परिणाम स्वरूप वहाँ का जो वातावरण होगा वह प्रदूषित हो जाएगा और उस प्रदूषित वातावरण में कार्य करने के पश्चात वहाँ का कर्मचारी आ, अपनी स्वास्थ्य की समस्या से गुजर सकता है उसे स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है तो ऐसे में जो मानक निर्धारित किया गया है जैसा कि हम जानते हैं कारखानों में कुछ विशिष्ट कारखानों में धुआं और धूल निकलना अपरिहार्य है तो अब यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि क्या हम ऐसा मानक निर्धारित करें कि धूल और धुआं ना निकले या फिर जो निकला हुआ धूल और धुआं है उसको उसके संचयन को रोकें और उसको विनियमित करें तो हम सभी जानते हैं कि कारखानों में जब उत्पादन का कार्य होता है तो ऐसे उत्पादन में धूल का निकलना या धुओं का निकलना बहुत ही सामान्य सी बात है तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता यह है कि उस धूल और धुओं से किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसके लिए वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को बचाने हेतु उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु और वहाँ के वातावरण को स्वच्छ रखने हेतु तो जो आवश्यकता है वह आवश्यकता यह है कि धूल और धुआँ का उस कार्यकक्ष में संचयन ना हो वो वहाँ पर रुके ना तो इसको हम ये देखते हैं कि वेंटिलेशन के माध्यम से अगर हम इसको जो जो पूर्व के प्रावधान हैं उससे जोड़ करके देखें तो वेंटिलेशन का प्रावधान इसलिए रखा गया है कि वहाँ उस कार्यकक्ष में पैदा होने वाले धूल और धुएँ वेंटिलेशन के माध्यम से उस कार्यकक्ष से बाहर जाएंगी और वहाँ का वातावरण स्वच्छ रहेगा इसके पश्चात यहाँ पर यह भी प्रावधान किया गया है कि संचयन को रोकने के लिए कार्यस्थल पर उचित निकास उपकरणों का उपयोग किया जाएगा अगर किसी कार्यस्थल पर किसी कार्यपक्ष में कोई धूल और धुआं निकल रहा है उसका संचयन हो रहा है तो उसे बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन या किसी अन्य प्रभावी उपकरण का उपयोग किया जाना आवश्यक है तो तकनीक के विकास के साथ साथ ऐसे उपकरणों का भी विकास होगा और वहाँ पर कोई भी उपकरण आ सकता है जो प्रभावी तरीके से उस संचयन को रोक सकता है जो आवश्यकता है वह यह है कि कार्यकक्ष में धूल और धुओं का संचयन नहीं होना चाहिए कौन से उपकरण उपयोग में लाए जा रहे हैं कौन सी विधियाँ उपयोग में लाई जा रही हैं जिसके माध्यम से संचयन को रोका जा रहा है वह पूरा का पूरा नियोक्ता के ऊपर छोड़ा गया है उसे जो भी विधि उचित लगती है उसको उपयोग में ला सकता है और अगर वेंटिलेशन का पर्याप्त वहाँ पर व्यवस्था किया गया है तो संचयन कम होगा इसके साथ ही साथ किसी भी कारखाने में कोई स्थिर आंतरिक दहन इंजन जब तक संचालित नहीं किया जाएगा तब तक संचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि निकास को खुली हवा में संचालित नहीं किया जाता है अगर अगर आंतरिक दहन इंजन वाला कोई आ, मशीन किसी कारखाने में कार्य कर रहा है और वह किसी कार्यकक्ष में कार्य कर रहा है तो ऐसे में उस मशीन उस इंजन के चलने के फलस्वरूप उससे ढेर सारी धुआएं निकलेंगी और अगर उस धुआओं को उस कार्यकक्ष से बाहर उस कारखाने से बाहर निकलने का प्रावधान नहीं किया गया है तो वहाँ पर यह देखा गया है कि वहाँ पर धूल का सॉरी धुओं का संचयन होगा ऐसी स्थिति में प्रावधान यह है कि ऐसे आंतरिक दहन इंजन का संचालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी निकास की व्यवस्था ना की जाए जिसके माध्यम से जो धुआं निकल रहा है और खुली हवा में न चला जाए अब यहाँ पर जब किसी उद्योग से धुओं का श्राव हो रहा है किसी इंजन के चलने से धुओं का श्राव हो रहा है तो उसके लिए पर्यावरणीय विधि के तहत भी मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों के अधीन ही श्राव होने चाहिए अगर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है तो ऐसे में जो क्लाइमेट का प्रॉब्लम है जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है उसके लिए भी प्रभाव पड़ सकता है लेकिन वह पक्ष हम पर्यावरणीय विधि या अन्य विधियों में देखेंगे कारखाना अधिनियम में जो आवश्यकता है वह आवश्यकता कार्यकक्ष को स्वस्थ रखने की है कार्यकक्ष के स्वच्छ रखने के कारण ही वहाँ पर स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सकेगा इसके पश्चात हम देखते हैं कि किसी कारखाने में जो नमी की बात है उस नमी का कैसे रख रखाव किया जाए क्या उस उस आ, आ, कारकश का जो नमी है उसको कृत्रिम रूप से मेंटेन किया, रख किया जा सकता है उसको रख रखाव किया जा सकता है ऐसी स्थिति में इस अधिनियम की धारा पंद्रह में कृत्रिम नमी को रोकने का प्रावधान किया गया है उन सभी कारखानों के संबंध में जिसमें हवा की आर्द्रता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है आर्द्रता के मानकों को निर्धारित किया जाता है अगर हवा की आर्द्रता को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा रहा है उद्योगों में वो बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए मानक निर्धारित किए जाते हैं और उन मानकों के अधीन ही आर्द्रता को सुनिश्चित किया जाता है हवा की आर्द्रता को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को अपनाया जा सकता है अब अब देखने में ये आता है कि कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पर आर्द्रता बहुत बढ़ जाता है या फिर ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पर आर्द्रता घट जाता है तो आवश्यक यह है कि कृत्रिम रूप से आर्द्रता का रख रखाव किया जाए वह कम भी हो सकता है वह ज्यादा भी हो सकता है साथ ही साथ सही संचालन और रिकॉर्डिंग के लिए हवा की आर्द्रता निर्धारित करने के लिए परीक्षणों का उपयोग किया जाना चाहिए अर्थात ऐसे स्थितियों में जहाँ पर हवा की आर्द्रता प्रभावित हो रही है वहाँ पर ऐसे इक्विपमेंट लगे होने चाहिए ऐसे परीक्षक लगे होने चाहिए जो यह बताएं कि हवा की आर्द्रता कितनी है और उसके माध्यम से हवा की आर्द्रता को कृत्रिम रूप से रख रखाव करने का प्रयास किया जाएगा साथ ही साथ कार्यकक्षों में पर्याप्त वेंटिलेशन और हवा को ठंडा करने के तरीकों को भी निर्धारित किया जाना चाहिए हवा कैसे ठंड की जाएगी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाएगा कम किया जाएगा और साथ ही साथ वेंटिलेशन की सुविधा कैसे की जाएगी उसको भी सुनिश्चित किया जाना है इसके पश्चात किसी भी कारखाने में जिसमें हवा की आर्द्रता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है उन्हें आपूर्ति से पहले पीने के पानी को शुद्ध रखना चाहिए हम सभी तो जानते हैं कि जब कृत्रिम रूप से आर्द्रता बढ़ जाती है तो वहाँ पर जो पीने का पानी है उसमें अशुद्धि आ सकती है और उसके माध्यम से उसे पीने वाले कर्मचारियों को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है तो ऐसी स्थिति में अगर उद्योग की प्रकृति ये है कि वहाँ पर कृत्रिम रूप से आर्द्रता बढ़ने तय है तो ऐसी स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के लिए जो पीने के पानी की व्यवस्था है उसको इस तरह से किया जाना चाहिए कि पीने की पानी में कोई अशुद्धि ना आवे और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े अब इसके साथ ही साथ जब हम कर्मचारियों के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उस स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि जो कार्यस्थल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई कारखाना स्थापित किया जाता है तो कारखाना स्थापित करने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है उत्पादन और उत्पादन को बढ़ा करके कारखा, कारखाना संचालक अपने लाभ को बढ़ाने का प्रयास करता है ऐसी स्थिति में एक ऐसा कार्य कार्यकक्ष जहाँ पर गिने चुने व्यक्तियों को रहने की या फिर काम करने की सुविधा है ऐसे में ढेर सारे व्यक्तियों से वहाँ पर काम कराया जाना अर्थात वहाँ पर भीड़ की उस स्थिति उत्पन्न कराया जाना सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए एक समस्या पैदा करती है तो यहाँ पर इस अधिनियम की धारा 16 में भीड़ भाड़ से बचाने के लिए भी उपबंध करने का प्रावधान है अर्थात जो कार्यस्थल है उस कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगनी चाहिए अगर कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है तो उस भीड़ के उपरांत वहाँ पर अस्वच्छता पैदा होगी गंदगी पैदा होगी और उसके माध्यम से जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके लिए जो उनका जो स्वास्थ्य है वो तो प्रभावित होगा इस धारा के अनुसार किसी भी कारखाने के किसी कमरे में उस हद तक भीड़ नहीं होगी जो उसमें कार्य श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो अब इसके लिए एक मानक निर्धारित किया जाएगा और उस मानक के अनुकूल रहते हुए एक कक्ष में कर्मचारियों की संख्या को निर्धारित किया जाएगा अगर किसी कार्यकक्ष में कारखाने के कार्यकक्ष में श्रमिकों की संख्या कर्मचारियों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उनकी उपस्थिति के मात, मात्र से ही उनके स्वास्थ्य के लिए समस्या पैदा हो रहा है तो ऐसे में उसे एक भीड़ भाड़ वाला स्थान माना जाएगा और उसे रोकने का प्रयास इस अधिनियम की धारा 16 में किया गया है अर्थात कारखाना संचकाल संचालकों की ये जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करें कि कारखाने में जो कार्यस्थल हैं उस कार्यस्थल में बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगे और इसके लिए यहाँ पर एक एक मानक निर्धारित किया गया है वह मानक है किसी कारखाने में नियोजित प्रत्येक श्रमिक के लिए कम से कम चौदह दशमलव दो घन मीटर का स्थान होना चाहिए और उस चौदह दशमलव दो घन मीटर के स्थान एक व्यक्ति के लिए एक कर्मचारी के लिए मानक के रूप में माना गया है अर्थात सभी कारखाना संचालकों के लिए यह आवश्यक है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यस्थल पर उनके कारखाने में कार्यस्थल पर एक व्यक्ति के लिए कम से कम चौदह दशमलव दो घन मीटर की क्षेत्र की उपस्थिति हो अगर उससे कम का क्षेत्र उपस्थित होता है तब तब यह माना जाएगा के उस कार्य क्षेत्र में उस कार्यकक्ष में भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होगा इसके साथ ही साथ कमरे में नियोजित श्रमिकों की अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट की गई है और उस संख्या में रहते हुए भी उसका एक मानक बना करके वहाँ पर सूचना के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा अगर किसी कार्यकक्ष में यह आवश्यक है कि उस कार्यकक्ष में उस कार्यकक्ष के क्षेत्रफल के आधार पर केवल दस कर्मचारी कार्य कर सकते हैं तो ऐसे सूचना का एक विनिर्दिष्ट पोस्ट वहाँ पर लगाया जाएगा जिससे यह सूचना दिया जा सके कि इस कार्यकक्ष में केवल और केवल एक समय में दस कर्मचारी ही काम कर सकते हैं तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो उच्च आदर्श यहाँ पर आ, शामिल किए गए हैं जो मानक शामिल किए गए हैं उसके आदर्श उसके उसके आधार पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की एक एक सुनिश्चित करने के लिए एक प्रयास किया गया है इसके साथ ही साथ जब हम कारखानों में कार्यकक्ष के स्वस्थ स्वस्थ स्वच्छता की बात करते हैं तो उस स्वच्छता का एक आवश्यक पहलू वहाँ पर उचित प्रकाश का होना है और प्रकाश की उप उचित व्यवस्था धारा सत्रह के तहत की गई है इस अधिनियम की धारा सत्रह के अनुसार कारखाने के उन सभी स्थानों पर उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए जहां से कारखाने के श्रमिक गुजरते हैं अर्थात केवल कार्य करने का स्थान ही नहीं उस कार्य करने के स्थान पर पहुंचने के लिए जो अन्य स्थान है जो सीढ़ी का क्षेत्र है या फिर और क्षेत्र है वहां पर भी प्रकाश की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए हम सभी जानते हैं कि अगर प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है अंधेरे का वहाँ पर एक माहौल बना हुआ है तो ऐसे में आ, उस अंधेरे में दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है और उस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कर्मचारी के स्वास्थ्य पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तो ऐसी स्थिति में धारा सत्रह के तहत प्रकाश की उचित व्यवस्था करने का एक दायित्व कर्मचारियों के 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 संदर्भ में उनके हितों की रक्षा के लिए आ, उनके नियोक्ताओं पर अधिरोपित की गई है इसके साथ ही साथ प्रत्येक कारखाने में जहाँ एक जहाँ तक व्यवहार हो प्रैक्टिकल हो रोकथाम के लिए प्रावधान प्रभावी प्रावधान किया गया है यह प्रावधान है चक्का चौद या तो सीधे प्रकाश के स्रोत से या किसी चिमनी या पॉलिस सतह से प्रतिबिंब छाया के गठन द्वारा तो अब कर्मचारी को केवल प्रकाश सुनिश्चित करने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश बहुत ज़्यादा है तो उसे कम भी करना है अगर बहुत चकाचौध वाला प्रकाश किसी कार्यक्षेत्र पर है तो उसका एक एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की आँख पर पड़ता है तो ऐसी स्तुति से बचने के लिए उस चका से बचने के लिए या फिर जो प्रकाश के अन्य स्रोत हैं जिसमें चिमनी या पालिस सतह से प्रकाश का प्रतिबिंबित होना है उनको विनियमित किया जाएगा और यह प्रयास किया जाएगा कि बहुत चकाचौ वाला प्रकाश बहुत तेज तीक्षणता वाला प्रकाश उत्पन्न न हो इसी के साथ साथ इसमें इस हद तक किसी भी कर्मचारी के आंख पर तनाव ना पड़े जिससे या फिर दुर्घटना का खतरा ना हो सके यहाँ पर उद्देश्य यह है कि कर्मचारी के आँख पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े या उसके दुर्घटना होने का खतरा उत्पन्न न हो पीने का पानी शौचालय और थोकदान की व्यवस्था कार्यस्थल को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए धारा 18 के तहत प्रत्येक कारखाने में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए और इसे पेयजल के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए साथ ही साथ शौचालय और मूत्रालय की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए धारा 19 के अनुसार प्रत्येक कारखाने में कर्मचारियों के लिए शौचालय और मूत्रालय की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए और इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा कोई नियम बनाया जा सकता है स्वच्छता को सुनिश्चित करने हेतु थूकने की जो प्रवृत्ति है उस पर भी नियंत्रण रखने के लिए या फिर उसे विनिमित करने के लिए थूकदान की भी व्यवस्था करने का एक दायित्व अधिरोपित किया गया है इस अधिनियम की धारा 20 के तहत कारखानों में कर्मचारियों के पर्याप्त संख्या में थूकदान होने की आवश्यकता का एक आ, मानक माना गया है अगर उस कारखाने में पर्याप्त संख्या में थोकदान होंगे और कर्मचारी उस थोकदान का यूज करेंगे उसका उपयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में उस कारखाने के कार्य क्षेत्र का कार्यस्थल का जो वातावरण है वह वा स्वच्छ रहेगा तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे किसी कारखाने में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पर साफ सफाई से लेकर के पीने के शुद्ध पानी से लेकर के वहाँ पर शौचालय मूत्रालय वहाँ पर थूकदान वहाँ पर तापमान का व्यवस्था वहाँ पर बहुत उच्च तीक्षणता तीक्षणता वाला प्रकाश ना उसकी व्यवस्था इन सार के मानकों को यहाँ पर आ, आ, मानक के रूप में सम्मिलित किया गया है अगर इन सभी मानकों को आ, का पालन किया जाता है तो जो कारखाने का कार्य क्षेत्र होगा वह एक आदर्श कार्यक्षेत्र के रूप में होगा जहाँ पर हम कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर पाएंगे अंत में हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हमने कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य हेतु जो विशेष आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को जाना कि स्वच्छता की वो कौन कौन से आवश्यकताएं हैं जिसको हम जिसकी जिसकी उपलब्धता के माध्यम से हम कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित कर सकते हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं इसके संदर्भ में हमने कारखानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपबंध को जाना और धारा ग्यारह से लेकर के अठारह के बीच जो ढेर सारे उपबंध किए गए हैं उन उपबंधों को हमने विस्तृत अर्थों में जानने का प्रयास किया इस व्याख्यान में हमने स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु स्वच्छता के उपायों पर चर्चा की हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का होना बहुत आवश्यक है तो उन स्वच्छता के माध्यम से कारखाने में स्वच्छता के माध्यम से वहाँ पर स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाना आ, इस इस अधिनियम का एक उद्देश्य है इसके बाद हमने इस इस कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के तहत कैसे कचरे का बहिष्राव किया जाना है कैसे उसका व्ययन किया जाना है और साथ ही साथ कार्यकक्ष में वेंटिलेशन और तापमान की क्या व्यवस्था की जानी है उससे संदर्भित जो उपबंध दिए गए हैं जो प्रावधान दिए गए हैं उसकी हमने विस्तृत चर्चा की साथ ही साथ हमने धूल और धुआं से बचने के लिए जो उपाय किए जाने हैं उन उपायों की भी यहाँ पर चर्चा की धूल और धुओं से किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उस संदर्भ में धूल और धुओं के विनिमित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। इसी के साथ ही साथ कृत्रिम नमी के रख रखाव के संबंध में या फिर भीड़ भाड़ से बचाव हेतु भी उपाय किए गए हैं भीड़ भाड़ से बचाव के माध्यम से कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सकता है प्रकाश के उचित व्यवस्था के उपबंध में भी के के संदर्भ में भी यहाँ पर उपबंध बनाए गए हैं कि कैसे प्रकाश की उचित व्यवस्था करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बहुत कम प्रकाश होने से कोई दुर्घटना ना हो या फिर बहुत ज़्यादा प्रकाश होने से उसका कर्मचारियों के आँख पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और अंत में हम देखते हैं कि इस इस अधिनियम में किस तरह से पीने की पानी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए स्वच्छ पान पीने की पानी की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है और उसके लिए उसके लिए जो कारखाना के संचालक हैं उस पर एक दायित्व तो अधिरोपित किया गया है कि वह शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करें साथ ही साथ वहाँ पर स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के उपयोग हेतु शौचालय मूत्रालय और थूक दान की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया गया है ये ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से जो बहुत कम लागत से ये उपाय किए जा सकते हैं इन इन उपायों के माध्यम से किसी कारखाने में जो कार्य क्षेत्र है उस कार्यक्षित की जो जो स्वच्छता है उसको बरकरार रखा जा सकता है और अंततः इस इसके माध्यम से वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित किया जा सकता है धन्यवाद thank mm -hmm. you